आज हमारी पार्टी के संसदीय दल ने माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलने का समय मांगा हुआ है। इसके साथ ही आज यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमारी पार्टी महिला उत्पीड़न व खराब कानून व्यवस्था के साथ साथ इस कानून के विरोध में भी अपनी खुलकर आवाज़ उठाएगी। और अब अंत में मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि वे इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले लें तो ये देश व संविधान के हित में सही होगा, वरना फिर इसके आगे चलकर काफ़ी दुष्परिणाम भी इनके सामने आ सकते हैं और हो सकता है कि अगले लोकसभा आम चुनाव में इनकी भी हालत कहीं 1977 की तरह कांग्रेस पार्टी वाली ही ना हो जाए, अर्थात इनको कांग्रेस की रही हुकूमत की तरह या इमरजेंसी जैसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। ऐसी मेरी केंद्र की सरकार को सलाह भी है।